तो एंथ्रेक्स, सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि बीमारी कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कराता है, वायरस, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल। तो एंथ्रेक्स जो है अपना बैक्टीरियल होता है, और इसका कॉजेटिव एजेंट मतलब जो इसको कॉज कराता है, तो इसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस, सॉरी बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनस कराता है, क्लॉस्ट्रिडियम वही दिमाग में आता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस एंथ्रेसिस इसका मतलब क्या है, बैसिलस मतलब वो अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो उसका रॉड शेप दिखेगा, लंबा लंबा दिखेगा, इसलिए इसका नाम बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इससे क्लिनिकल कोई चीज समझ नहीं आएगी, बस मैं बता दूं ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता बता दूं अभी। तो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। दोनों जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इस चीज से डिसाइड हुआ है, पॉजिटिव वो होते हैं जिसके अंदर एक डाई डाली जाती है, जो लोग उसको, जो बैक्टीरिया उस डाई को पकड़ के रखते हैं उनको बोला जाता है पॉजिटिव। उस डाई का नाम है क्रिस्टल, क्रिस्टल वॉयलेट। और जो बैक्टीरिया उस डाई को छोड़ देते हैं उसको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। अब वो क्या प्रिंसिपल है वो मैं बताता हूँ। दो टाइप के बैक्टीरिया मान लीजिए, ऐसे ही इतनी स्क्रीन पर पढ़ा मुझे, जगह दिख रहा हूँ मैं बस थोड़ी सी साइड में, बस ठीक है। तो वहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, पैन यहाँ से ऊपर 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 से। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर एक सेल वॉल है, सेल वॉल है। सेल वॉल किस टाइप की है वो चीज डिसाइड करेगी कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर उसकी सेल वॉल थिक हुई, मोटी हुई, थिक मतलब मोटी हुई, सेल वॉल पता है जो सबसे बाहर की चीज होती है बैक्टीरिया की, उसको सेल वॉल बोलते हैं। अगर सेल वॉल थिक होती है तो वो होगा ग्राम पॉजिटिव। अगर उस बैक्टीरिया की सेल वॉल तो पतली है, सेल वॉल क्या है, पतली, लेकिन सेल वॉल पतली है एज कंपेयर टू दिस, इसकी सेल वॉल पतली है। लेकिन जो फर्क आता है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में वो ये होता है कि इसके बाहर एक और लेयर होती है, वो होती है लिपिड की। ये लेयर होती है पेप्टाइडो ग्लाइकन, केमिकल का नाम है पेप्टाइडो ग्लाइकन। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब प्रोटीन शुगर्स, उसका कोई काम नहीं है जानने का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके बाहर एक लिपिड की लेयर होती है, जिस वजह से अब इसका मैं क्लिनिकल चीज बताऊंगा, ग्राम नेगेटिव के ऊपर पेनिसिलिन काम नहीं करती है अच्छे से। क्योंकि पेनिसिलिन कैसे काम करती थी, मैंने बताया था आपको, पेनिसिलिन क्या करती थी, सेल वॉल के अंदर छेद करती थी, सेल वॉल नहीं बनने देती थी। इसकी सेल वॉल क्या थी, बहुत मोटी थी, लेकिन पेनिसिलिन इसको तोड़ देती थी। इसके अंदर जो दिक्कत है वो सेल वॉल तो बहुत पतली है, लेकिन इसके बाहर जो चीज है लिपिड की, वो एक तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है। इसका नेचर और इसका नेचर ये अलग अलग केमिकल से बने होते हैं। हमारी जो पेनिसिलिन होती है वो इसके लिए बनी होती है, लेकिन उसके बाहर एक चीज होती है जो उसको बचा के रखती है पेनिसिलिन से, जिसको बोला जाता है लिपिड मेम्ब्रेन, या फिर टिकोइक एसिड इसको बोला जाता है, इसका केमिकल नाम है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड। तो इंपॉर्टेंट चीज ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में अंदर, जो चीज हमें पिंक दिखती है माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेनिंग के बाद वो ग्राम नेगेटिव होती है पिंक, और जो चीज हमें पर्पल दिखती है वो ग्राम पॉजिटिव होती है। कैसे करते हैं स्टेनिंग, उसका आपको कोई यूज नहीं, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। पिंक और पर्पल, मेन चीज बस इतना ही समझाना है कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट पेनिसिलिन काम नहीं करेंगी, क्योंकि ग्राम नेगेटिव के आसपास लगी रहती है लिपिड की एक लेयर जिसको पेनिसिलिन नहीं तोड़ सकती। इसलिए ग्राम नेगेटिव के अंदर हम सेफेलोस्पोरिंस वगैरह देते हैं, ओके, क्योंकि वो इस चीज को पेनिट्रेट कर देती हैं, और आपकी पेनिसिलिन जो है इसको पेनिट्रेट नहीं करेंगी, भले ही ये लेयर थिक है। मेन इशू है आपका टिकोइक एसिड का, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। तो हमारा जो बैसिलस है वो है आपका ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, बैसिलस है ग्राम पॉजिटिव। बैसिलाई मतलब लंबा लंबा दिखेगा, और जो चीज गोल गोल दिखेगी वो होगी आपकी कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव हल्का हल्का लंबा लंबा दिखता है, ठीक है। अब ये कौन सी बीमारी करेगा, एंथ्रेक्स। सबसे पहले हमें समझना है कि एंथ्रेक्स के क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। अगर कोई कैटल अचानक से मर जाता है बिना किसी सिम्टम्स के, या फिर थोड़े मोटे सिम्टम्स आपको दिखे, अचानक से बुखार आया और डेथ हो गई, अब आप उस साइट पर पहुंचे एनिमल के आसपास और आपने देखा कि उसके नेचुरल ओरिफाइस, जैसे कि ये नाक है,
इससे खून निकल रहा है और फोटोज हैं मैंने डाले इसमें। नाक से निकलेगा, आंख से भी निकलेगा, ये आंख से निकल रहा है। तो अगर आपको दिखता है कि फ्लूड निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है और सडन डेथ हुई, आप किसान से पूछेंगे कि कैसे मरा, बोले अचानक से सही था और अचानक से डेथ हो गई, तो आपको सबसे पहले इसका डायग्नोस करना है एंथ्रेक्स का। और आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उस एनिमल के आसपास नहीं जाना है क्योंकि उसको एक जानलेवा बीमारी हुई है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इसलिए पढ़ते हैं कि वो एनिमल को हुई है, ये तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा एंथ्रेक्स एज अ वेटनरी डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन आपको इसलिए पढ़ाई जाती है, आपको इससे बचना है। अगर एक बार इंसानों में हो जाती है तो डेथ हो जाती है एंथ्रेक्स से, और बहुत बेदर्दी की मौत होती है इंसानों की। इसलिए इसका पोस्टमार्टम अलाउड नहीं है, मेडिकल गाइडलाइंस में बोला गया है कि इसका पोस्टमार्टम आप नहीं करेंगे अगर कोई एनिमल ऐसे मरता है। क्यों ऐसा क्यों है कि ये बीमारी जो है स्पोर्स से फैलती है। स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया की एक फॉर्म होती है, बैक्टीरिया की दो फॉर्म होती है, वेजिटेटिव फॉर्म, जो बैक्टीरिया आपको लंबा लंबा दिखता है जब आपके ब्लड के अंदर घुस जाता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फॉर्म, वेजिटेटिव फॉर्म जो कि लंबी लंबी होती है, और एक होते हैं स्पोर्स। तब ये बैक्टीरिया के ऊपर कोई आपदा आ जाती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया, तो बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और ये स्पोर्ट्स आपके सॉइल, घास, गंदगी सबके ऊपर आपके क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब अचानक से जैसे ही कोई एनिमल उस चीज़ के कॉन्टेक्ट में आएगा या फिर वो घास खाएगा जिसके ऊपर ये स्पोर्ट्स लगे हैं, वो स्पोर्ट्स क्या करेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। अब जो रास्ता है स्पोर्ट्स के जाने का वो इन्हेलेशनल हो सकता है, इन्हेलेशनल मतलब सांस के थ्रू लंग्स के अंदर जा सकते हैं। दूसरा है अगर वो घास खा ले, घास से किसके अंदर जा सकते हैं, ईसोफेगस, और ईसोफेगस से पेट के अंदर जा सकते हैं। अगर एनिमल को चोट लगी है, ऑलरेडी कोई चोट लग रखी है, और अगर जानवर जाता है घास खाने या फिर वो किसी लोहे की चीज़ से टच हो गया जिसके ऊपर स्पोर्ट्स लगे थे, तो वो स्पोर्ट्स उसके ब्लड के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के रास्ते क्या क्या हैं घुसने के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि घुसते कैसे हैं, तभी आपको पता चलेगा इसको प्रिवेंट कैसे करना है। इन्हेलेशनल हो सकते हैं, अगर कोई गंदी जगह है जहाँ पर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स पड़े हैं और एनिमल ने उसको ले लिया, या फिर खाने के साथ जा सकते हैं, या फिर कोई कट लग रहा हो तो उससे भी जा सकते हैं। और सेम कंडीशन अप्लाई होती है ह्यूमंस के अंदर, अगर ह्यूमंस के हाथ पे कोई कट है और अगर आप उस एनिमल को हैंडल करते हैं तो आपके अंदर वो स्पोर चले जाएंगे और आपको क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स। अब सबसे कॉमनली एंथ्रेक्स किस कंडीशन में देखा जाता है, एंथ्रेक्स के जो स्पोर्स होते हैं वो जो भेड़ होता है, भेड़ के जो बाल होते हैं उनके ऊपर ज्यादा रहते हैं, इसलिए इस बीमारी को बोला जाता है हाइट्स पोर्टर सिंड्रोम। हाइट्स मतलब होता है जो लोग भेड़ की खाल जो होते हैं उसके बाल जो होते हैं उनका व्यापार करते हैं, और तब वो लंबे टाइम तक उनका व्यापार करते हैं तो वो जो भेड़ के बाल होते हैं उनसे वो स्पोर्ट्स उनके फेफड़ों के अंदर जाते हैं और लंबे टाइम के बाद उनको एंथ्रेक्स हो जाता है। तो ये है आपका एंथ्रेक्स का कहानी कि एंथ्रेक्स होता कैसे है। 2002 के अंदर अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा साजिश हुई थी, टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसके अंदर लिफाफों के अंदर जो थे स्पोर्ट्स भेजे गए थे, खाली लिफाफे थे, उनको खोला और लगभग करीब करीब 100-200-300 डेथ हुई थी। उसके अंदर बाद में डॉक्टर्स को पता चला कि लिफाफे खाली थे लेकिन उनके अंदर थे स्पोर्ट्स, किसके, एंथ्रेक्स के। तो मेरा मतलब यही है समझाने का कि इसको एज आतंकवादी हमला टेररिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्स को, इसलिए डॉक्टर्स को मना किया जाता है कि आपको पोस्टमार्टम नहीं करना है और आपको छूना नहीं है। जब भी कोई कैटल मर जाएगा तो उसका सही से प्रॉपर डिस्पोजल होता है, उसके चारों तरफ जो है डिसइंफेक्शन होता है और उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। अब आते हैं बीमारी पर कि क्यों ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं एंथ्रेक्स के अंदर, कि क्यों जो है आपका नेचुरल ऑरिफाइस से ब्लड आने लगता है, क्यों अचानक से डेथ हो जाती है, क्यों टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस सबके पीछे का लॉजिक है कि आपके जो स्पोर्ट्स हैं जैसे ही बॉडी के अंदर घुसते हैं, मैंने बताया ब्लड से घुस सकते हैं, मैंने बताया लंग्स से घुस सकते हैं, GIT स्टमक पेट से घुस सकते हैं, तो फाइनली सारे के सारे स्पोर्ट्स जाते हैं किसके अंदर, है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर इन्हें मिलते हैं WBC वगैरह। WBC का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को मारना। अब ये बैक्टीरिया बड़ा कलाकार है, ये क्या करता है, WBC के अंदर घुस तो जाता है लेकिन WBC को मारने नहीं देता। ऐसा क्यों, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ काबिलियत है इसके DNA के अंदर। ये कभी भी WBC के अंदर जो मैंने आपको बताया था एक तेजाब की बोतल होती है उसको अपने ऊपर नहीं छिड़कने देता, पूरे टाइम आराम से WBC के अंदर पड़ा रहता है। और WBC फिर कहाँ जाती है, आपकी लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, लिवर, जहाँ जहाँ WBC जाएंगी वहाँ वहाँ बैक्टीरिया इसके साथ जाएगा। अब दिक्कत क्या है, जैसे ही आपके WBC स्प्लीन में जाएंगे तो स्प्लीन में उनको
मार दिया जाएगा और स्प्लीन कोशिश करेगा कि और WBC बनाओ। WBC बनाते आपका मेन बोन मैरो है, लेकिन जब बॉडी को लगता है कि WBC की कमी हो रही है तो स्प्लीन बनाना शुरू कर देता है, स्प्लीन रिलीज करना शुरू कर देता है, किसको? WBC को। अब स्प्लीन WBC को ज्यादा रिलीज करेगा तो क्या होगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा और ये कंडीशन है स्प्लीनोमगैली जो इसके अंदर देखी जाती है। तो ये लॉजिक है कि क्यों एंथ्रेक्स के अंदर स्प्लीनोमगैली देखी जाती है, क्योंकि जो WBC होते हैं वो आपके जो है RBC वगैरह के सॉरी स्प्लीन के अंदर जाते हैं और स्प्लीन भी जो है आपका बहुत ज्यादा रिलीज करता है WBC, जिस वजह से स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है और इसका नाम होता है स्प्लीनोमगैली। ऊपर होगा स्प्लीनोमगैली। ये रे सिम्टम्स इसके स्प्लीनोमगैली, एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीनोमगैली। हर सिम्टम के ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके। अभी आपने किसी में से बताया था कि रीगर मोर्टिस नहीं होगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है रीगर मोर्टिस नहीं होगा। अब रीगर मोर्टिस नहीं होगा ये तो आपने बता दिया, रीगर मोर्टिस होता क्या है? मतलब कि इसमें वो शरीर है वो अकड़न नहीं होती। रीगर मोर्टिस ये नहीं होता, नहीं मतलब रीगर मोर्टिस क्या होता है ये बताइए। रीगर मोर्टिस होता है कि शरीर में अकड़न होती है डेथ के बाद। आदमी पड़ा है, कोई भी पेशेंट पड़ा है, आदमी पड़ा है, फिर जानवर पड़ा है, तो देखा गया है पोस्टमार्टम्स के अंदर कि डेड बॉडी ऐसी पड़ी और डेड बॉडी अचानक से डेड बॉडी का हाथ चलता है अचानक से। अब साधु संत आदमी को लगेगा, किसी को लगेगा, मौलवी को, कि उसके अंदर जिन आया है या फिर जिंदा हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन होती है, इसको बोला जाता है रीगर मोर्टिस। डेथ के कुछ घंटों के बाद अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिस कंडीशन को बोला जाता है रीगर मोर्टिस, और रिलैक्स हो जाती है उसके थोड़े टाइम बाद। तो अकड़न जो होती है उसको रीगर मोर्टिस बोला जाएगा, लेकिन इस कंडीशन के अंदर रीगर मोर्टिस नहीं होगा। तो आप सही बोल रहे थे कि अकड़न नहीं होगी, लेकिन रीगर मोर्टिस का मतलब है अकड़न होना, तो रीगर मोर्टिस नहीं होगा, इसका मतलब मसल्स नहीं अकड़ेंगी, ठीक है? तो रीगर मोर्टिस नहीं होगा। एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन होगा, लार्ज हो जाएगा स्प्लीन, क्यों होगा बता दिया। अब हम आते हैं कि ये जो नेचुरल ओरिफाइस से चीजें निकल रही हैं वो क्यों निकलती हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर ब्लड बाहर निकल कर आ रहा है बॉडी से तो क्यों आएगा बॉडी से बाहर निकल कर? ब्लड नॉर्मली किसके अंदर होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। अगर ब्लड वेसल से ब्लड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत है प्लेटलेट्स के साथ या फिर ब्लड मैकेनिज्म फेल हो रहा है, मतलब क्लॉटिंग नहीं हो रही है बॉडी के अंदर। ये क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो स्पोर्ट्स घुसे हैं, स्पोर्ट्स ने क्या बनाया, बेसिलाई, कन्वर्ट हो गए बैक्टीरिया के अंदर। अब ये जो बैक्टीरिया है वो कुछ टॉक्सिन छोड़ता है, मेन जो कहानी है वो इन टॉक्सिन की होती है। टॉक्सिन्स होते हैं कुछ केमिकल जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीमारी कॉज कराने के लिए। अलग अलग बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स अलग अलग होते हैं, दो टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। तो टॉक्सिन्स हर बैक्टीरिया के अलग अलग होते हैं, जैसे कि टेटनस के अंदर टेटिनोस्पैज्मिन होता है, एंथ्रेक्स के अंदर अलग टॉक्सिन होता है, तीन टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं बेसिकली एंथ्रेक्स के अंदर, बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है जो बॉटुलिनम में देखा जाता है। तो अलग अलग टॉक्सिन अलग अलग बीमारी कॉज कराएंगे और अलग अलग सिम्टम्स लाएंगे। तो इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ये चीज कॉज कराते हैं, ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं हो पाता। अगर कोई आर्टरी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो वो कोएगुलेशन पाथवे जो होता है जो कि उसको रोकता है वो नहीं रुकेगा, ठीक है? तो कोएगुलेशन नहीं होगा, इसका मतलब ब्लड टिश्यू के अंदर आना शुरू हो जाएगा और तब बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा, तो जितने भी नेचुरल ओरिफाइस हैं वहां से ब्लड आना शुरू हो जाएगा और आपको दिखेगा कि उसके नेचुरल ओरिफाइस एनस से, नाक से, मुंह से, आंख से, सब जगह से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। इसका एक कंडीशन ये भी है, सबसे पहले आप डायग्नोस कर सकते हैं कि टारी ब्लड आ रहा है कहां से, नेचुरल ओरिफाइस से। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं हो पा रहा, जम नहीं पा रहा। ये चीज आपको समझ आ गई। तो सडन डेथ, अब पूरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड कहां जा रहा है, ब्लड वेसल्स को छोड़ के जा रहा है। अब ब्लड वेसल छोड़ के जा रहा है मतलब ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, हेमरेज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर हेमरेज हो रहे हैं। हेमरेज मतलब होता है ब्लड तब रप्चर करके ब्लड वेसल्स को बाहर निकलता है, इंटरनल हेमरेज। अब इंटरनल हेमरेज क्या लगता है आपको, दिमाग के अंदर नहीं होंगे, किडनी के अंदर नहीं होंगे, पूरी बॉडी के अंदर होंगे, लेकिन आपको क्या दिखता है, सिर्फ नाक से, आंख से, ठीक है? तो पूरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, पूरी बॉडी फेल हो जाएगी हेमरेज की वजह से। अब डेथ का रीजन बहुत कुछ भी हो सकता है, क्या पता
जानवर डेथ से पहले सीजर अटैक आ जाए उसको, क्या पता कोमाटोज हो जाए कंडीशन, तुरंत कोमा ही तुरंत डेथ हो जाए, क्या पता बिना किसी सिम्टम के डेथ हो जाए। अब वो सिम्टम डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो किया डेथ ने, ब्रेन पहले इफेक्ट हुआ, मसल्स पहले इफेक्ट हुई, क्या चीज पहले इफेक्ट होगी, उस हिसाब से डेथ के सिम्टम्स आएंगे। लेकिन एक बात है तो सडन डेथ होगी, कोई पीछे सिम्टम्स नहीं होंगे, अगर सिम्टम्स होंगे थोड़े मोड़े होंगे, हल्का फुल्का बुखार आएगा, ऐसा कोई सिम्टम नहीं होगा जो बोले कि एंथ्रेक्स है इस बीमारी को और आप इसको ट्रीट कर दें। इसलिए एंथ्रेक्स का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एंथ्रेक्स का डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है। अगर आप डायग्नोस कर लें तो ट्रीटमेंट भी है। ओके, अब ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये बीमारी फैलती कैसे है। सॉइल से फैलती है, क्योंकि इसके स्पोर्ट्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं, और एक बात और, इसके स्पोर्ट्स जो है सालों तक मिट्टी में पड़े रहते हैं, पानी, धूल, हवा, गर्मी कुछ उनका नुकसान नहीं करती है। तो एक जगह पर अगर आपने डिकम्पोज करी है बॉडी, तो हो सकता है 10 साल तक 15 साल तक वो वहाँ पर स्पोर्ट्स रहें। इसलिए कहा जाता है कि उसका डिसइन्फेक्शन होता है उस जगह का, उसके ऊपर एल्कोहल, ग्लूटामाइट वगैरह डाला जाता है, उसको डिसइन्फेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारी पैथोजेनेसिस की, ये बीमारी कैसे होती है। पैथोजेनेसिस मैं बता चुका हूँ आपको कि बैसिलाई किसके अंदर घुसता है, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज लेके जाता है उसको स्प्लीन वगैरह में, उसके बाद फिर से वो ब्लड के अंदर फैलता है, और ब्लड के अंदर क्या निकलते हैं, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स जो है पूरा ब्लड मैकेनिज्म खराब कर देते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, हैमरेज होने लगता है, इसके साथ ही साथ बुखार आएगा क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन। अच्छा एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बुखार कैसे आता है, बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। दो टाइप के मैंने आपको टॉक्सिन्स बताए थे, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स। जब भी बैक्टीरिया घुसता है तो जो बुखार आता है वो एंडोटॉक्सिन की वजह से आता है। बुखार, पायरेक्सिया, वो हमेशा एंडोटॉक्सिन्स की वजह से आता है, एंडोटॉक्सिन्स। और एंडोटॉक्सिन्स ऑलमोस्ट हर बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, तो एंडोटॉक्सिन्स बुखार लाते हैं, तो जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो बुखार आ ही जाता है एंडोटॉक्सिन्स की वजह से। लेकिन एंडोटॉक्सिन्स इतने खतरनाक नहीं होते, खतरनाक क्या होते हैं इसके साथ ही, एक्सोटॉक्सिन्स जो मैंने अभी आपको बताया था, एंथ्रेक्स है टॉक्सिन, तीन टाइप के टॉक्सिन्स है। ठीक है, अब कैसे कैसे फैलते हैं मैंने बता दिया आपको। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखी है और मैंने आपको बता दी है कि बालों से वूल, ऊन जो होती है उससे, और हाइट्स मतलब जो भेड़ होता है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उससे फैलती है। ठीक है, अब यह है इसका पैथोजेनेसिस, फोटो मैंने गूगल से लिया है और इसमें आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एक जानवर था जो मर गया था, और मरने के क्या सिम्टम्स थे, उसकी नाक से मुंह से खून निकल रहा था, और वो जो खून था उसके अंदर क्या थे, बैक्टीरिया थे। वो बैक्टीरिया क्या हुआ, मिट्टी के अंदर चले गए, आपने उसकी बॉडी को दफना दिया, अब क्या हुआ उसके स्पोर्ट्स उस मिट्टी के अंदर आके इकट्ठा हो गए, स्पोर्ट्स उसके मिट्टी के अंदर आकर इकट्ठा हो गए। अब कोई और जानवर आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद वहां पर खाना खाने चला गया, चरने चला गया, तो वो जो स्पोर्ट्स हैं वो इसके अंदर चले गए। कुछ स्पोर्ट्स नाक के थ्रू चले गए, कुछ स्पोर्ट्स ईसोफेगस के थ्रू मुंह से चले गए, तो उसको क्या हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, और उसकी भी फिर से कंडीशन यही होगी, डिसीज होगा और डेथ होगी। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन आपको बताइए, इनहेलेशनल हो सकता है, खाने के साथ हो सकता है, और कोई अगर चोट लगी है, एब्रेशन मतलब कोई चोट लगी है उससे भी घुस सकते हैं इसके स्पोर्ट्स। लास्ट वाला बहुत कॉमन नहीं होता, अगर बाइट काट ले काफी कॉमन नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। पैथोजेनेसिस मैंने आपको पढ़ा दी, लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंचता है, उसके बाद ब्लॉक कर देता है ब्लड कैपिलरीज को, डेथ हो जाती है क्योंकि हेमरेज वगैरह होने लगता है, हाइपोक्सिया होने लगता है, एनोक्सिया होने लगता है। एनोक्सिया मतलब होता है जब किसी पार्ट को ऑक्सीजन ना पहुंचे, क्यों ना पहुंचे, क्योंकि वहां पे ब्लड ना पहुंचे। तो ब्लड क्यों नहीं पहुंचेगा, ब्लड इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि उस एरिया के अंदर जो हेमरेज हो रहा है, ब्लड जो है पहुंचने की जगह ब्लड निकला जा रहा है, ब्लड वेसल से ब्लड बाहर भाग गया, और फिर जो है बॉडी जो है कहीं ना कहीं कोशिश करेगी उसको रोकने की, तो बॉडी क्या करेगी, बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगी किसको, कोएगुलेशन सिस्टम को। वो कहेगी कि मेरी औकात के बाहर हो गई हैं चीज़ें, और अचानक से आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन होने लगेगा, जिस कंडीशन को बोला जाता है DIC, इसमें कहीं नहीं लिखा है DIC, डिसमिनेटेड, बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल टर्म है ये, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन, मतलब मैं समझाऊंगा आपको, डरना नहीं है, कोएगुलेशन डिसमिनेटेड होता है जो चीज पूरी तरह फैल जाती है, फैल गई किसके अंदर, ब्लड के अंदर। इंट्रावास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, वेसल्स के अंदर कोएगुलेशन,
कोएगुलेशन मतलब ब्लड का जमना, तो बॉडी जो है एक मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है तुरंत से कि डीआईसी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बॉडी के औकात के बाहर हो गया है ब्लड को रोकना। तो क्या होने लगता है, जगह जगह कोएगुलेशन होने लगता है आपकी, जगह जगह ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगती हैं, जगह जगह ब्लड वेसल्स ब्लॉक होंगी तो जिस वजह से क्या होगा, फेटल एनोक्सिया। एनोक्सिया बताया था मैंने आपको, जब ऑक्सीजन किसी टिश्यू पे नहीं पहुंचती है, और अगर नहीं पहुंचेगी तो क्या होगी, डेथ हो जाएगी, फेटल मतलब डेथ। तो हमने इंपॉर्टेंट चीजें इसकी पढ़ ली कि कैसे होता है, क्या करता है, कैसे दूसरे एनिमल को कर सकता है, ठीक है। और इसके मैं आपके टॉक्सिन्स बता रहा था, अगर आपको एग्जाम वगैरह की तैयारी करनी है तो तीन टॉक्सिन्स ये हैं इसके, एडिमा जो सूजन कराता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर का कुछ इतना काम नहीं होता, ये बस इन दोनों के लिए हेल्पफुल होता है, ये बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है उसकी घुसने में हेल्प करता है, ठीक है, ये घुसने में हेल्प करता है, ये एडिमा कराता है एनिमल की बॉडी के अंदर, लीथल फैक्टर होता है जो ब्लड के साथ पूरा का पूरा झोलमेल करता है। अब इस डिसीज के जो है तीन स्टेज हो सकते हैं, पर एक्यूट, एक्यूट और क्रोनिक। पर एक्यूट आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि पर एक्यूट के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं बहुत कम होते हैं। एक्यूट के अंदर अगर सिम्टम्स आते हैं, पहले तो सिम्टम्स आते नहीं है, पर एक्यूट के अंदर तो बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, अगर एक्यूट के अंदर सिम्टम्स आते हैं तो हल्के फुल्के होंगे बुखार, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको दिख जाएगा हल्का फुल्का आंख से या फिर नाक से क्या निकल रहा है, ब्लड, क्योंकि वो चीज तो कंटिन्यूसली चल रही है बॉडी के अंदर। ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है नाक से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, टारी ब्लड आ रहा है, सिक्रीशंस आ रही है। ये आ गई आपकी एक्यूट की बात, एक्यूट जो है 48 इन्फेक्शन के 48 घंटे के बाद आपको दिखेगा एक्यूट, 48 आवर्स। इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक एक्यूट कंडीशन के अंदर, और जितने भी सिम्टम्स हैं आपको कुछ ये नहीं बताएगा कि इसको जो है एंथ्रेक्सी हुआ है, क्योंकि इसके सिम्टम्स और बीमारी से भी मिलते हैं, बुखार और बीमारी में भी आता है, रेस्पायरेशन और बीमारी के अंदर भी डीप हो जाता है, लंबी लंबी सांसें भरने लगती है भैंस, और ऐसा कोई सिम्टम्स आपको मिलेगा नहीं जो बताएगा कि इसको एक्यूट स्टेज पर है। तो इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आप डायग्नोस नहीं कर सकते कि अगर एक्यूट में है तो क्या दवा दे दूं, पर एक्यूट में है तो क्या दवा दे दूं, डायरिया वगैरह भी होगा। अडीमा इसलिए होगा क्योंकि उसका जो टॉक्सिन है वो अडीमा कराता है, मैंने भी ऊपर आपको बताया, सूजन कराता है, स्वेलिंग कराता है, ठीक है। अब आते हैं क्रोनिक वाली, क्रोनिक का जो होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ये, सबक्यूटेनियस या फिर टंग के ऊपर क्या आएगी, स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी। अडीमा फैक्टर, लीथल फैक्टर, दो फैक्टर थे, लीथल फैक्टर क्या कर रहा था, ब्लड के साथ झोलमेल कर रहा था, अब जो आपका एडिमा फैक्टर है वो क्या कराने लगेगा, स्वेलिंग। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे क्या दिख रहा है आपको, टंग जो है, टंग है उसके ऊपर क्या आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, कैरेक्टराइज्ड बाय लोकलाइज्ड सबक्यूटेनियस, लोकलाइज्ड मतलब पूरी बॉडी के अंदर जरूरी नहीं है स्वेलिंग आएगी, इसलिए चेक किया जाता है मुंह खोलकर कि टंग पर स्वेलिंग आई नहीं आई, तो इसलिए इसको बोला जाता है लोकलाइज्ड, हो सकता है पूरी बॉडी पे भी आ जाए, थाइस पर आ जाए स्वेलिंग, ठीक है। मेन चीज इसकी यही है डायग्नोस करने के लिए, ये वाला फोटो मैंने जो किसी वेटनरी कॉलेज की पीपीटी से लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस क्लिनिकल फाइंडिंग से आपको पता चलेगा क्या हो गया, डायग्नोसिस आपको इसका क्लिनिकल फाइंडिंग से बताना होगा, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर सडन डेथ हो जाती है तब इसका डायग्नोस होगा, आप गए और आपने देखा कि इसके नाक से, कान से, आंखों से क्या निकल रहा है, एनस से भी क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है, सिक्रीशंस निकल रही है, तो आपको सस्पिशन होगा, आपको शक होगा कि इसको एंथ्रेक्स है। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका पोस्टमार्टम नहीं करना, आपको रिपोर्ट करना है बल्कि अथॉरिटीज को कि यहाँ पर एक केस है एंथ्रेक्स का, और इसको आपको पीपीई किट पहनकर इसका डिस्पोजल करना है, उसके चारों तरफ केमिकल्स डालने हैं, आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद को पूरा कवर करना है जिससे कि ये स्पोर्ट्स आपके अंदर ना जाए। बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, पोस्टमार्टम अलाउ नहीं होता, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पोस्टमार्टम इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन है। अब एक क्वेश्चन आप पूछना चाहिए आपको कि ये कौन सा बैक्टीरिया है पॉजिटिव, अब मैं कौन सी दवा बता रहा हूँ, नहीं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है मैंने बोला था कि पॉजिटिव के लिए होती है और नेगेटिव के लिए क्या होती थी, सेफेलोस्पोरिन वगैरह, लेकिन पेनिसिलिन बहुत कम होती हैं, तो इसलिए ग्राम पॉजिटिव है, इसलिए इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन है, ह्यूमंस के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। पेनिसिलिन जिसको स्टार्टिंग में आईवी चढ़ाया जाता है, एडमिनिस्टर्ड आईवी,
अगर पेनिसिलिन काम नहीं करती है तो टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह ये भी सारी एंटीबॉडीज हैं जिसको आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन के टाइप्स होते हैं, पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाथाई पेनिसिलिन, प्रोबेनिसिड के साथ पेनिसिलिन। तो यहाँ पर आप देंगे बेंजाइल पेनिसिलिन। और इसके अंदर आपको डायग्नोसिस अगर करना पड़ा, अगर करना पड़ा पोस्टमार्टम के टाइम पर, तो कान से क्या लिया जाता है, कट लगाया जाता है ईयर के आसपास, जहाँ से ब्लड लिया जाता है उस ब्लड को पढ़ा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर बेसिलाई वगैरह दिखते हैं तो उसका मतलब उस जानवर को एंथ्रेक्स हुआ था, बेसिलस एंथ्रेसिस हुआ था। और भी आगे फिर टेस्ट किए जाते हैं कन्फर्म करने के लिए कि ये बैक्टीरिया एंथ्रेक्स ही था, बेसिलस एंथ्रेक्सिस था। ठीक है, अब ये हो गया आपका कंप्लीट एंथ्रेक्स। तो मेन चीज क्लास से ये याद रखनी है कि आपको कॉन्टेक्ट में नहीं आना है किसी भी हाल में। थैंक यू। भाई सवाल को जवाब ले लें, कल नहीं लिए तेरे माइक निकाल दो, ये तो बैठ जाओ, चलो जा।